और राह छोड़ दो भाई, राह छोड़ दो, यही तो पाइपलाइन वाली है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर नगर कौंसल लहरा, तो अज जो ये घटना हुई है जी वाटर वर्क्स रोड से नगर कौंसल वालों जोड़े सफाई सेवक भेजे गए हैं, नगर कौंसल के ईओ वालों, जेई वालों, सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों इन्ह की ड्यूटी लगाई गई है। जबकि यह रिपोर्ट पहला भी मैं दिती हुई है कि वह डोमोस्टिक एरिया तो है लेकिन उस लैन के किसी ने भी कनैक्शन नहीं लिया होया। जे किसी ने कनैक्शन लिया होया है वह अनलीगल है। जे अनलीगल कनैक्शन हैं पहली गल तो असं शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी गल यह है भी जो उस लैन बंद पई है उसनों खोलने साड़ी ड्यूटी है, मैं समझदा इस गल्लू। लेकिन मानयोग हाई कोर्ट के सख्त ऑर्डर ने कि बिना किट तो, सरकार ने भी ऑर्डर ने कि बिना किट तो सफाई सेवक को सीवर लैन के नहीं उतारा जाना। तुसीं सेफ्टी किट की गल करते हो, उन्हां बंदे कोले मास्क नहीं सीगा, उन्हां कोले ग्लव्ज नहीं हन, उन्हां कोले बूट नहीं हन, उन्हां कोले कोई टैक्निकल अजिही चीज नहीं है जिस चीज नाल उह विच बारे इत्थों दे नगर कौंसल का जिहड़ा सेंट्री इंस्पैक्टर है राजेश कुमार उन्हें उह विच वारे सी, ते जिहदे करके यह बहुत वड्डा हादसा जिहड़ा वापरिया। यह बहुत ही दुखदाई घटना क्योंकि दो बंदे साढ़े बच्चे ने साढ़े दो जड़े है गया, वो सीरियस ने पटियाले उन्होंने रैफर कर दिता गया है। एंड जड़े इतने हैप्पी है मुंडा जिस नाम सुखविंदर है वो डैथ हो गई सी, और 15 मिनटां दे विच ही सिविल हस्पताल वाले ने बिना किसी वारस तो, ठीक है वो बच्चे अनपढ़ बच्चे ने उन्होंने कहता क्योंकि भाईचारा हैगा, उन्होंने कहता भी हाँ जी साडा भाईचारा, वो कहते नाल बैठो बई, एक होमगार्ड भरा मेरा वो नाल भेजता, तो डैड बॉडी इतने पोस्टमार्टम लिए भेजती। जबकि यह भी मैं इसकी गल की निंदा करता, जो मैं आके एस एम ओ मिला एस एम ओ ने तो गल ही नहीं की किसी तरह की बेढंगी बेढंग इस तरह दल करता, बदतमीजी वरता है वो। एक ज सू अज बेशक असी रिटायर्ड हाँ, असी पबलिक डीलिंग करते रहे हाँ, पबलिक न भी असी क्योंकि पबलिक के नौकर हाँ, पबलिक भी असी चेयर नहीं देंगे सी, इनू मैं कहा मैं रिटायर्ड इंस्पैक्टर हाँ तो उन्होंने लीडर भी हाँ। ये बदतमीज ने एस एम ओ ने मेरे न गल तक नहीं की, बड़ी बदतमीजी ने कहना नहीं सानू होमगार्ड ने डेड बॉडी जमा कराती। मैं कहा जी तुम इन्हों वापस कर दो, कहते असं उन्होंने वापस नहीं कर सकते, लै सकते हैं। ये किधर का कानून है, ये किधर दी है सानू, मतलब यहां गल सिखाता वा। एक तो साढ़े एडा वा पहाड़ डिग गया, दो बंदे साढ़े सीरियस ने, एक बंदा साडा डैथ हो गई है, उन्होंने बच उन्होंने पेरेंट्स ने उन्होंने भैन भरावान ने उसका मूँह तक नहीं देखा, इन्होंने डेड बॉडी पोस्टमार्टम लिए भेजती। कि हसलनी गल है, कि दुख की गल है, कि साढ़े ते पहाड़ गया, इंसानियत इंसानियत कुछ नहीं है। मैं इस तो इंज जापदा कि इस गल दे विच प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है क्योंकि गरीब ने बेचारे, सो ये काल नहीं होएगा। मैं कॉल कर दी गई है लवे लवे जिहड़े नगर कौंसल ने, सारा पंजाब भी इकट्ठा हो सकता है, एस एम ओ नूं भी विच लवांगे जे जिहड़ा यह बदतमीजी वरतदा है, ये बहुत बड़ा संघर्ष विढ़िया जाऊगा, इन्हां नूं इंसाफ दवा के हटांगे। नहीं जी कोई ठेकेदार दे थ्रू नहीं चल रहा सी, सेंट्री इंस्पेक्टर दियां जिहड़ियां हैगियां उह ड्यूटियां लाइया हुई ने इन्हां दियां, ते उह जिस दे तहत जिहड़ा है काम नगर कौंसल दा हो रहा, चाहे छोटा काम है चाहे सीवर का काम है चाहे सैनिटेशन का काम है कोई भी। यह सफाई सेवक सीगे ना के सीवरमैन, क्योंकि सीवरमैन ने जिहड़े वो अलग भर्ती किए जाते हैं, तो इस नगर कौंसल के सीवरमैन नहीं हैं, इन्हां नूं बकायदा सीवरमैन की पोस्ट पर रखा जाता, सीवरमैन की तनखाह भी ज्यादा है। ये जाके पता करना पेगा कि इन्हां नूं तनखाह इन्हां नूं उन्नी दी जाती है जिन्नी आम नगर कौंसल की सफाई सेविका नूं।
ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਆਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਮੁਣਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ